close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज हम जाने कवि नगर के मेले में, कवि नगर गाजियाबाद में, और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। स्कूटी से जा रहे हैं, गाड़ी इसलिए नहीं लेकर जा रहे क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, एक डेढ़ घंटा दो घंटा बस इसी में ही रह जाते हैं कि गाड़ी यहाँ खड़ी करो, ऐसा करो, वैसा करो। भाई तुम्हें भीड़ भी दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, जा रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं, दिख जाएगी ना जब बनेगा व्लॉग। भाई दो लोंडे वो आ रहे हैं पीछे। तो भाई के डब्ल्यू 36 मॉल राजनगर एक्सटेंशन का इसका भी ब्लॉग बनाएंगे एक दिन, अभी जब जाएंगे ना, कल जाएंगे शायद, इसका ब्लॉग बनाएंगे। जा रहे हैं हम मेले में, हमारे साथ आज है हिमांशु और यश। बहुत बढ़िया, एक तो स्टंट दिखा दे तेरी साले, बच्चे कर दे इसे। और लक्की है हमारे साथ और मैं हूँ भाई। हाँ आ जा, जीते भाई, इसने लाइट लगवा रखी, फुल छपरी पर दिखा रखा है। तो भाई आगे है गेट पे, हम गेट नंबर 1 के सामने खड़े हैं और यहाँ से अभी एंट्री लेंगे। अभी वो दोनों जो हमारे साथ थे वो स्कूटी खड़ी करने गए हैं। ये भाई मेरे लग रहा है, भाई आ गया। #1 हिमांशु, #2 यस, #3 लकी। तो भाई चलते हैं गेट के अंदर। भाई आ गया हम मेले में, झूले ही झूले। भाई सबसे तगड़ा मेला लगता है ये यहाँ गाजियाबाद का, कवि नगर में है ये झूला। देखो तो भाई वो क्या हो रहा है वहाँ, देखने वाला भाई वाला झूला देखो भाई। भाई है हमारा ये झूला, ये ड्रैगन, ये जाइंट व्हील, ये भाई ट्रेन चलती है, और ये ब्रेक डांस चलती है। लक्की किस पे चल रहा है पहले? भाई कोई नहीं, चल लो जॉइंट व्हील में चल रहे हैं। कौन सा वाला बड़ा है? ये बड़ा है ये, वो तो उस पे ही चल रहे हैं। भाई यार शोर बहुत हो रहा है, सबसे पहले हम जॉइंट व्हील में जा रहे हैं। भाई ये रहा जॉइंट व्हील। ये भाई चश्मे की दुकान, भाई 700 रुपए के चश्मे। चलो भाई जॉइंट व्हील पे चल रहे भाई। निःशुल्क शीतल पेयजल, पानी पी लो, पीना हो तो किसी को। ले भाई आगे जॉइंट व्हील। तो भाई इसके बराबर में ड्रैगन चल रहा है, पर ये वाला ड्रैगन छोटा है। एक ड्रैगन उधर की साइड है, वो वाला बहुत बड़ा है। भाई ये क्या है? मिस्टर लक्की
ड्राइवर साहब टिकट ले लो हमारे। अरे तू बता यो कह रहा क्या इसमें, चल इसको उल्टी ना लग जाओ। चल टिकट ले लो भाई, कितने टिकट ले रहा है? चार। चल गया भैया, हिमांशु भाई आ गए, आ गए भाग रहे हैं अभी तो, इतना डर लग रहा था भैया। कह दे तो झंड हो जाएगी, इसलिए बना देंगे बात, गंदी बात। इसकी फटा है, यो बेचारा झूलता ही ना, बस हमारे लिए झूले में आ गया। ये भाई देखना यार कितना मस्ती वाला भाई, उस पे देखो भाई कितना तगड़ा चल रहा है भाई वाला झूला, भाई इस वाले को देखना भाई। सबसे तगड़ा तो ये है हैमर भाई, पूरा उल्टा कर दे ये, इधर खाने के स्टॉल से खाने वगैरह खरीदने के इधर की साइड, और इधर की साइड सब झूले हो गया भाई, लोग बाग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं भाई। स्टार्ट हो गया है और बच्चों की फटने लगी है, लेकिन भाई मेरी नहीं फटी। भाई ये सवाई की पटनी शुरू हो गई है भाई, क्या पकड़ गए भाई, पकड़ गए बेटा भाई, वो कह रहा मरना तो है एक दिन, अगर भाई चांस भाई दिल खुश हो गया तो भाई, अगर भाई चांस तो भाई मंदा झुलाया भाई इसने भाई, वो तो भाई से कम झुलाया, अगर हमारा सीकरी का मेला होता ना हम पैसे भी ना देते, वो झूलते भी यार दो बार झूलते, वो मंदा वो झुलाया है, हमारे चीची भाई को जन्ना अटल लगते हैं तो वो फ्री करवाते हैं। ला भाई ये खत्म हो गया भाई, उतर गया झूले से, अब दूसरे में जाते हैं यार भाई, अब जाएंगे ड्रैगन में, ड्रैगन में मौज मार पाएंगे चलना भाई, ड्रैगन पर जाएंगे चलो, इसकी तो फिर भी फटी पड़ी है भाई, नहीं यार भाई तेरी मजा आया, भाई मजा आया, ये नहीं फटी उसकी फटी है इसकी आवाज है कि नोड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? बढ़िया बढ़िया, पूरी फटी है भाई यार, उसने इतना कम झुलाया ना, और ये कह रहा है कि इतना ही झूलने चाहिए भैया, मैं तो पहली बार कर रहा, देखो तुझे मुझे पता मेरा क्या होएगा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कहाँ लक्की? ले भाई हो रहा मैं भाई, लक्की यार लक्की दो शब्द बोल दो,
लक्की दो शब्द बोलते इधर खड़े होकर। क्या बोल रहे भाई? कुछ भी ना, मैं ना बोल रहा हूँ। दो तो बोल भी दिए, ये कितने सारे बोल दिए देख भाई, कितने सारे बोल दिए भाई। दो थैंक यू भाई। भाई अब चल रहे हैं यार, ड्रैगन में चल रहे हैं। आ गई इधर से रास्ता भाई वाला ड्रैगन। Gracias.
जी भाई ये दिखाएंगे उगड़ा हुआ माल है ये गंदगी बंदगी सिस्टम भाई भीड़ इतनी है यार लक्की इस पर झुला दे इसे भाई तेरी पटरी है ना तो इस पर झूल ले आजा चल चल आजा झूलना था जिसमें चलेंगे भूत का बंगला अब यार क्या होएगा कुछ भी ना होएगा मैं गया हूँ कुछ भी ना इसमें मैंने थप्पड़ मारा था उन्हें एक में दूध पे थप्पड़ मारा लग गया दूध का बंगला तेरे में थप्पड़ दिया मार के अबे यू क्या यू देखेंगे सुबह यार अरे ये तो वो है वीडियो बनवाने वाले टिकटॉकर ₹10 ये टिकटॉकर के लिए भविष्य सुनिए मात्र ₹10 वजन नापने वाली मशीन ₹10 ये फाउंटेन सुपर सॉफ्ट क्लासिक क्या भाई आज क्या बिक रहे हैं मोटर बिक रही है ये भाई सूट बिक रहे हैं भाई आपके लिए सूट ले लें नहीं भाई सूट आप ही ठीक है सूट ये रहे भाई सूट खरीदने ला बहन जो बोला दी बोला दी उस पर ए हेलीकॉप्टर ले भाई ना आ ले भाई शॉल वगैरह ले लेने की सर्दी आ चुकी है अग्रवाल कैटर्स ब्रांच मोहन चाट भंडार चस्का चाप 60 का माल खरीदे साथ में ₹40 का मुफ्त पाओ बहन से यूं क्या है यो क्या आ गया अरे चल ये तो अचार से ले रहा हूँ पेट साफ करने के लिए चस्का चाप खा लो भाई चस्का चाप भाई शॉल वगैरह ये बच्चों के सब बच्चों की गाड़ी ₹100 की उतार के ले गए हो ओ भाई पिज्जा भी है यहाँ पे बहन चोद ₹200 का पिज्जा पिज्जा देखो कैसे रखे हैं ये रहा भाई ये रखे पिज्जा ₹200 पिज्जा तो बिल्कुल मैं खाऊं वेयर इज लक्की ऐसे पिज्जा वहाँ मिलता है चलो भाई ये रहे कुटकुट ला भाई कुटकुट खा लो कुटकुट चाहिए बर्गर किंग और लगा लेते हैं यहाँ पे ला भाई इंडक्शन चूल्हे लो चिमनी लो भाई सब कुछ लो और ये क्या है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉम्पटन का चलो नेहरू नगर के भाई ये और भाई अमेरिकन ग्लोबल स्कूल है पढ़ाई भी है यहाँ पर हमारे मतलब मेले में ही आए हैं हम भाई ये है मदन कुल्फी रबड़ी फलूदा ये सबसे बढ़िया है व्रत की कुल्फी अबे यार व्रत की कुल्फी बना दी बहन चो व्रत का नमक भी बना दिया कुल्फी बनाई सब कुछ सब व्रत ये लोगों ने चोचले बना रखे व्रत तो व्रत रहा ही नहीं व्रत तो व्रत है पूरे दिन खाओ कुछ ना कुछ लोगों ने चोचले बना रखे खा लो पूरे दिन खाओ ये क्या है एक ऐसा गीजर जो देगा तुरंत गर्म पानी ओहो एक ऐसा ब्यूटी पार्लर जो देगा आपके चेहरे की चमक ओहो एक ऐसा डॉक्टर जो देगा सर्दी से तुरंत राहत एक ऐसा नेचुरोपैथ जो देगा स्टीम बाथ चलो भाई तुम ही लो स्टीम बाथ तो भाई साड़ी भी बिक रही है क्या हो जाएगा द क्रोकरी हब भाई क्रोकरी भी है 500 की दो साड़ी बिक रही है साल तो होड़ कर लोगे राजस्थानी डूगरी पैलेस रेस्टोरेंट भेलपुरी भाई राजस्थान कांजी के बड़े दही बल्ले भाई कांजी के बड़े चेक कर ले कांजी के बड़े चेक कर ले कांजी के बड़े क्या ये ना वे 30 के चार हैं एक प्लेट ले ले राजस्थानी रेस्टोरेंट भाई चेक कर लेते हैं कैसे हैं बड़े खा के लाडो जयपुरी जूती ओ भाई सब जयपुरी जूती
जयपुरी जी जूती तो यार बहुत सारे लोग मांग रहे थे, पर मुझे क्या साइज वाइज पता है। ओ भाई ये है पायदान, ये देखो यहाँ तो चीते का पायदान थी भाई, क्या क्या बना रखा। काजू के बड़े चेक करो। अबे दही वाले ले, दही वाले उन्हें ये कहीं मेरे से काजू के बड़े कैसे हैं खाने में भाई? सही से लग रहे हैं तो देख, सही से लग रहे हैं, चेक करवा भाई। ये है जयपुरी जूतियों की दुकान, जयपुरी बात है। क्या है ये? विश्वास ज्वेलरी शॉप लैब ज्वेलरी भी मिल रही है यहाँ। सोना वोना बिक रहा क्या? सोना चांदी, चांदी की चैन ले ले तुझे चाहिए अभी। मुझे नहीं चाहिए। वे फिर खू गए दोनों, वे फिर राजस्थानी रेस्टोरेंट में घुस गए। हम छत व शेड पर सोलर लगा कर आपकी इनकम बढ़ाते हैं। ओ भाई साहब, ले भाई सोलर सेल लगवाने हो तो यहाँ पर आ जाइए, सोलर सेल लग जाएंगे। आए आए हम गए भाई, भाई महंगी महंगी चीज दे रहे हैं यहाँ तो। एक हमारे एक ही बारी में भाई उधर चल रहे, उसमें वो क्या है लगन कैटर्स एंड वेडिंग नीतू भाई, वो है रसोई भाई, उसमें 50 रुपये में कुछ भी खा लो। हैं आज तो देख तो देखना चल रहा है नीतू भाई अपनी सेटिंग नहीं है लो, कुछ 30 रुपये है माल। अरे यार मेरी सेटिंग ना है भाई कोई भी, छोड़ के चली गई क्या भाई? थी नहीं कोई, क्या क्यों झूठ बोल रहे हो नीतू भाई? सच्ची में थी नहीं कोई, आप झूठ भाई। मैं सीधा साधा बच्चा हूँ, अपना ब्लॉगिंग करता हूँ। यहाँ पे एक बार हमने छोले कुलचे की प्लेट मार दी थी, उसने गलती से भाई उसने दो टोकन दे दिया भाई, उसने हमें क्या पता 50 रुपये में दो टोकन है, एक टोकन लिखे तो दो प्लेट मिल गया। हम नूर कहते हैं ना भाई, प्लेट था हमने भी ले ली भाई। ये यार किचन भाई, खाने की सारी डिशेज है यहाँ पर 50 रुपये में भाई। क्या 50 रुपये में कुछ भी खा लो? ऐसा नहीं है भाई, तो वो अंदर है वो गोरी 40 रुपये में थाली वो। अब ये थोड़ी बहन जी 50 में तो कुछ भी खा, छोड़ हम बाहर चल के खाएंगे भाई। यहाँ पे बस चल रही है रामलीला, तो राम लक्ष्मण जी का जो भी वो खड़े हैं, यहाँ पे रामलीला भी चल रही है भाई। जाओगे तो फिर आओगे हम भाई। अब यही है बस, दुकान वगैरह है, सामान की दुकान वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह, खाने वाने की ये सब दुकान है। अब बाहर जाकर मिलता हूँ आपसे इस मेले से बाहर जाकर भाई। आ गए हैं गेट से बाहर, अब चल रहे हैं पार्किंग की तरफ। भीड़ बढ़ गई है यार, जब हम आए थे जब कम भीड़ थी, अब बढ़ गई है। देख लो भाई, देख लो यार, खुद ही देख लो कितनी भीड़ हो गई है, धक्का मुक्की हो रही है भाई। ये था मेला कवि नगर का, बढ़िया लगता है और भीड़ भी बहुत रहती है। जैसे हम जब हम कितने बजे आए थे, 7 बजे के करीब आए थे, 7:30 बजे के करीब पहली आ गए तो शायद 6:30 बजे आ गए थे, तो तब इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन अब भाई साहब अब तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए भाई हम घर आ गए। बहुत भीड़ बढ़ गई तो भाई सही है, हम सही टाइम पर आ गए और सही टाइम पर निकल गए। अगर तुम भी जाओ तो 6 से 6:30 के आस पास जाओ और आओ अपने 8:30-9 बजे आओ। तो भाई ये यही था इस ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कवि नगर है गाजियाबाद में, जहाँ पे ये मेला लगता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सियाराम।